हॉस्पिटल के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले ईएसआई मेडिकल कॉलेज में कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ क्षेत्र की बीजेपी एमएलए सीमा त्रिखा ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने टीका लगवाकर सभी को संदेश दिया कि लोग झूठ की भ्रांतियों में न फंसे और आने वाले समय में बिना किसी डर के टीकाकरण करवाए और प्रधानमंत्री की मुहिम को सफल बनाए। वैक्सीनेशन करवाने वाले ईएसआई मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोगों को सभी भ्रांतियों से दूर रहने की सलाह दी है और कहा कि आज उन्होंने भी यह टीका लगवाया है और यह बिल्कुल सेफ है। इसे लगवाने के बाद उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण का शुभारंभ करने पहुंची बीजेपी एमएलए ने कहा कि विकसित देशों में कितने समय में वैक्सीन बनाई गई, उतने ही समय में भारत के वैज्ञानिकों ने दो दो वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि यहां मेडिकल स्टाफ ने टीका लगवाकर इसकी शुरुआत, तो फिर इस टीके पर सवाल खड़ा करने वाले विपक्ष की बात कोई महत्व नहीं रखती। देखिए, शनिवार से ही जैसे आपको पता है कि टीकाकरण का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का द्वारा किया गया था। उस कड़ी में हमने यहाँ काफ़ी बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन FRU1 सेक्टर 30 में किया था। अब चूंकि ESI मेडिकल कॉलेज है और ये हमारे लिए बहुत प्रेसियस मेडिकल कॉलेज है कि डिस्ट्रिक्ट पूरे फरीदाबाद के जो कोविड के मरीज थे उनका इलाज इसी हॉस्पिटल में हुआ है। ये हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज हैं जिनके लिए अलग से हमने ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा है विधायक श्रीमती त्रिखा जी के सानिध्य में, और 3 या 4 दिन में अब लगातार इनके जितने भी कर्मचारी क्लास 4 से लेकर के और डीन साहब तक हैं उन सबको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। फरीदाबाद ज़िले में ही भटकल विधानसभा के में जो ESI हॉस्पिटल है BK और ESI, तो एक कंबाइंड एफर्ट यहाँ से भी आज शुरू हुआ है। मैं तो पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगी और साथ साथ आदरणीय मोदी जी को जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इतने बड़े मुश्किल कोरोना काल में देश के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा करके, जहाँ विकसित देश में कई अलग देशों की गिनती होती है और उन्होंने जितने समय में अपनी मेडिसिन निकाली उतने ही समय में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी दो दो प्रकार की वैक्सीन निकाल करके दी। जब डॉक्टर्स, जिनको हम धरती का भगवान कहते हैं, वो खुद अपने आप सबसे पहले ये इंजेक्शन लगवा रहे हैं, ये वैक्सीन ले रहे हैं, तो इसके बाद में कोई विषय नहीं बचता। मेरा नाम डॉक्टर दीपिका है, मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ स्किन डिपार्टमेंट में। नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि जितना से ज़्यादा हम वैक्सीनेशन लगवाएंगे उतना ही हम आगे अपने सुरक्षित कर सकेंगे इस कोरोना बीमारी से। सो जितने हैं इससे डरे नहीं, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लगवाएँ।